करप्शन तो एक किसी भी डेवलपिंग नेशन का बहुत बड़ा इशू है। इसमें भारत भी अछूता नहीं है, पर बिहार में देखिए करप्शन के बिना विकास संभव है, और खास करके जब इस लेवल पे वाइड स्प्रेड हो। तो एक जो आम धारणा है लोगों में कि बिना पैसे के तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो ये इस पे कोई चेक एंड बैलेंसेस हो सकता है। आप इसको ऐसे देखिए, हमने एज ए पुलिसमैन इसको देखा था बहुत अर्ली एज से ही, एएसपी के डेज से ही। आई यूज टू क्वेश्चन माई सेल्फ, हमारा लीगल मैंडेट है टू रजिस्टर ऑल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस दैट कम टू माई नोटिस, ये लॉ ने प्रोवाइड किया है। मैंने अपने आप से पूछा कि क्या भ्रष्टाचार संज्ञेय अपराध नहीं है, और द आंसर इज यस, इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, व्हाई डोंट वी रजिस्टर इट। तो ट्रेडिशन है, वो विजिलेंस में जाएगा, वो सरकार आदेश करेगी, ऐसे ही कोई पिटीशन दे देगा तो थोड़ा ही दर्ज होगा। आई ऑल्सो ग्रो अप विद दिस, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि एक इंटरमीडिएट स्टेज आना चाहिए जहां भ्रष्टाचार जब नोटिस में आने लगे, स्पेशली इफ इट इज ऑन अ बिग स्केल, देन द पुलिस डिपार्टमेंट एटलीस्ट एट द टॉप शुड सेट अप एंड टेक नोटिस ऑफ इट, विच आई डिड। हमने एक इकोनॉमिक ऑफेंसेज यूनिट क्रिएट किया डायरेक्टली अंडर मी, अंडर द लीडरशिप ऑफ एन आईजी रैंक ऑफिसर, और आर्थिक अपराध इकाई में ही भ्रष्टाचार एक छोटा सा पार्ट था उसका, दैट वॉज टेकन नोट ऑफ एंड वी रजिस्टर्ड केसेज, वी स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन, वी स्टार्टेड डूइंग सर्चेज। सीबीआई का मेरा बैकग्राउंड रहा था इसलिए मुझे बहुत दिक्कत नहीं हुई उसको ऑपरेशनल बनाने में। दिस डेफिनेटली गॉट द अटेंशन ऑफ द पीपल एट लार्ज, दे थॉट कि नहीं, अब पुलिस डिपार्टमेंट भी भ्रष्टाचार के केसेस कर सकती है, और 100% तो कोई भ्रष्टाचार, 100% तो मर्डर्स भी नहीं एलिमिनेट खत्म होते हैं, लेकिन इफेक्टिवली उसको पकड़ना, उसको रजिस्टर करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, फिर चार्जशीट करना, उनका प्रॉपर्टी अटैच कराना, ऑल दोज आर स्टेप्स विच इफ टेकन विल क्रिएट एन इम्पैक्ट एंड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द स्टेट ऑफ करप्शन दैट यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट।